कल कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक ने कई अहम प्रस्ताव पास किए हैं, लेकिन एक प्रस्ताव जिसमें बाहरी एजेंसियों को राज्य में दखल देने से दूर रखने की कोशिश हुई है, या यूं कहें कि सम्मन पर सीधे अधिकारी अब ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं होंगे, अपने विभाग की अनुमति वो लेंगे और विभाग जो आगे निर्देशानुसार है उसके बाद ही कोई भी ऐसी बाहरी एजेंसियों के सामने हाजिर होगा। तो एक तरह से राज्य में जिस तरह ईडी की दबिश हो रही है उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि एक ढाल बनाने की कोशिश की गई है। क्या लेकिन क्या वाकई ये ढाल बन सकती है सरकार के लिए, इसके लिए कई सवाल अब विपक्ष भी उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी कहा कि ईडी के डर से सरकार ने ये कदम उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा है कि डरना जरूरी है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या वाकई जिस तरह ईडी की कार्रवाई हो रही है उससे बचने की एक कोशिश, कितनी राहत मिल सकती है इस तरह के नियम बनाने से? जी आसिया, 9 जनवरी झारखंड के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी और ऐसे में नए साल में पहली कैबिनेट की बैठक थी। राज्यवासियों की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी, लेकिन एक प्रस्ताव सभी के जुबान में है क्योंकि ईडी की दबिश राज्य में लगातार देखने को मिल रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे परेशान है और कई अधिकारियों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है, ईडी कार्यालय बुलाया गया है और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कहा जा रहा है कि अगर किसी राज्य कर्मी को ईडी की ओर से या फिर बाहरी जांच एजेंसियों की ओर से समन जारी किया जाता है तो पहले उन्हें अपने विभाग यानी कि रिस्पेक्टिव विभाग है वहां पर सूचना देनी होगी और रिस्पेक्टिव विभाग जो है आगे सूचना देगा, यानी कि कह सकते हैं कि सरकार की सहमति के बाद ही कुछ निर्णय यहाँ पर अधिकारी ले सकते हैं। क्योंकि आपने सही कहा कि राज्य में लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, कई लोगों को बुलाया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन ईडी की ओर से जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी अवैध खनन मामले में बुलाया गया था, अब जमीन घोटाले मामले में बुलाया जा रहा है। लिखित पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करी है। तो कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को देखने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इसको लेकर राज्य की सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सरकार डर के अच्छी अच्छी योजनाओं को लेकर पहल कर रही है तो ठीक है, डरना भी चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा आसिया कि कल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजभवन जाते हैं, राज्यपाल से मुलाकात करते हैं क्योंकि गांजे विधानसभा सीट को लेकर अभी भी जो पक्ष और विपक्ष है वो आमने सामने है। एक ओर जहां पर राज्य में अलायंस की सरकार है, तमाम लोगों का कहना है कि गांजे में विधानसभा होना चाहिए क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटिंग सीट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सीट जो है वो खाली हो चुकी है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब महज एक साल भी नहीं बचे हुए हैं, राज्य में विधानसभा होना तय है, जिसको लेकर कल खुद बाबूलाल मरांडी राज्यपाल से मुलाकात की और उनका कहना है कि गांजे में विधानसभा उपचुनाव होना जरूरी नहीं है। ये पहली दफा नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर अपनी बात उठाई है। इससे पहले भी सांसद निशिकांत दुबे ने भी एक्स पर पोस्ट किया था, शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि राज्य में जो गांजे विधानसभा सीट खाली हुई है, सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है, वहां पर उपचुनाव होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसको भी लेकर कई बातें सामने आ रही है। एक और जहां बीजेपी का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में आकर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आसिया के एक्स हैंडल पर खुद बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान दिया था, उनका कहना था कि 200 करोड़ में यहाँ पर लेन देन हुआ है, यानी कि राज्यसभा सीट को लेकर ये सरफराज अहमद जो है वो इस्तीफा दिए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी डील हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बड़े नेता है या फिर बाबूलाल मरांडी उस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप पक्ष की तरफ से तो ये माना जाए करिश्मा कि ये जो नियम कैबिनेट में लाया गया है, जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह एक ढाल तैयार किया जा सके, ये आने वाले दिनों में राज्य की सियासत को और बढ़ाएगा। जी जाहिर सी बात है आसिया कि अगर ईडी की ओर से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई अधिकारियों को समन जारी किया जा रहा है तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ये एक बाउंड्री है क्योंकि ईडी की ओर से लगातार समन पे समन जारी किया जा रहा है और ऐसे में स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि जो बाहरी जाँच एजेंसी है अगर उनकी ओर से राज्य कर्मियों को समन जारी किया जाता है तो समन का जवाब देने से पहले उन्हें रिस्पेक्टिव विभाग में इसकी सूचना देनी होगी। रिस्पेक्टिव विभाग जो है आगे
यानी कि निगरानी विभाग को देगा इसकी सूचना, और उसके बाद सरकार की सहमति से ही आगे जो अधिकारी है वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसी के पास जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में इसको भी लेकर सियासत तेज होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ये प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटती है। उनका कहना है कि अगर ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया जा रहा है, उनके अधिकारियों को समन जारी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग गलत है। अगर सीएम गलत नहीं है तो वो ईडी के अधिकारियों के सामने जाए, सवालों का जवाब दे। अब जिस तरीके से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, कह सकते हैं आशा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस मुद्दे को लेकर भी घेरने से पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि एक और जहां आपने नेता प्रतिपक्ष की बात सुनी, अमर बाउरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सरकार डरी हुई है और डरे हुए में इस तरीके से जो कह सकते हैं डिसीजन ले रही है तो ठीक है, लेकिन राज्य का इसमें भला होना चाहिए। तो कह सकते हैं अब इसको भी लेकर सियासत आने वाले समय में काफ़ी तेज हो जाएगी। अब वो देख अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अलायंस की सरकार इसको किस तरीके से टैकल करती है, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी और निगाहें सभी की टिकी हुई थी, कोई भी वर्ग हो सभी की टिकी हुई थी कि आखिर कल किस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलेगी, क्या उन्हें सौगात मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कह सकते हैं लोगों को तो सौगात मिला ही मिला है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो कह सकते हैं इसको भी लेकर आने वाले समय तो में जो कोशिश है सरकार की कि किस तरह से बचाव किया जाए, सरकार का जो राजनीतिक उथल पुथल ईडी की कार्रवाई की वजह से मच रही है या मच सकती है, उसके लिए अपने आप को तैयार कैसे किया जाए।